हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आ गया आप लोग के बीच में एक और नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है रेबीज डिजीज। आखिर ये जो रेबीज डिजीज है, इसका बायोलॉजिकल टर्म में इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी का डर। चलिए आज हम लोग इसी पानी के डर के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये पानी का डर आता कैसे है, किसकी वजह से आता है, इसे क्या क्या लक्षण है हमारे शरीर में, रेबीज डिजीज के क्या क्या लक्षण हैं और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, आज हम लोग कुछ इसके बारे में बात करने वाले हैं ओवरव्यू। चलिए शुरू करते हैं। जो रेबीज डिजीज़ है, ये एक वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम है रेबीज वायरस। जैसे कि आप सब देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस यहाँ पे हम लोगों को रेबीज वायरस का पिक्चर दिखाया जा रहा है। और अगर बात करें इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आखिर ये फैलता कैसे, आमतौर पर देखा जाता है, साधारण तौर पर पागल कुत्ते जो होते हैं उनके काटने की वजह से फैलता है, अधिकतर इन्हीं की वजह से फैलता है, पागल कुत्ते के काटने की वजह से फैलता है। लेकिन अगर और भी ज़्यादा देखा जाए तो जैसे कि बिल्लियाँ, लोमड़ी, भेड़ियाँ, इन सब की वजह से भी फैल सकता है काटने की वजह से, लेकिन आमतौर पर फैलता है पागल कुत्ते काटने की वजह से। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या क्या है हमारे शरीर में। सबसे पहला सिम्टम्स ये है कि जिस इंसान को इस कुत्ते ने काटा होगा, उस इंसान को पहले पानी से बहुत डर लगेगा। सबसे पहले पानी से बहुत डर लगेगा, फिर उसके बाद देखा जाए तो उसके मुंह से सलाइवा निकलेगा, लार टपकेगा, जैसे कि पागल कुत्ते के मुंह से लार टपकता है ना, ठीक उसी प्रकार से, जैसे यहाँ देख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से उसके मुंह से भी लार टपकेगा। और उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द देगा। दर्द होने के बाद उसके शरीर में बुखार भी आएगा, बुखार आने के बाद। और कभी कभी देखा जाए तो वो अचानक से पागलों जैसा बर्ताव करेगा। कभी कभी अचानक से वो इंसान खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और कभी कभी वो इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि अब बहुत ही कमी है, इस प्रकार का कुछ फीलिंग आएगा। और देखा जाए तो उस इंसान को जिसका ये रेबीज डिजीज हो रखा है, उस इंसान को यहाँ तक कि पानी पीने में भी तकलीफ होती है। पानी पीने में तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि गला जो होता है ना, वो थोड़ा चॉक्ड हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये इंसान, ये औरत जब पानी पीना चाह रही है लेकिन पानी पी नहीं सकती, इनके गले में बहुत दर्द हो रहा है, इसको रेबीज हो चुका है, इसका गला जो है ना वो थ्रॉट चॉक्ड हो चुका है, तो ऐसे इंसान को पानी पीने में भी तकलीफ हो सकती है। और अगर देखें तो ये जो डिजीज है ना, ये अटैक करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर अटैक करता है, रीढ़ की हड्डियाँ के अंदर में जो कॉर्ड होता है। जैसे कि आप देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम में हमें ब्रेन दिखाया गया और स्पाइनल कॉर्ड दिखाया गया है। ब्रेन जो सर पे होता है और स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डियों के बीच में होता है ये स्पाइनल कॉर्ड। यही जो है ना, यही है जो हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को, मूवमेंट को, एक्टिविटी को, जिसके कारण से हम लोग जिंदा हैं, वो यही चीज़ है। और ये रेबीज वायरस जो है ना, यही मेन चीज़ को इफेक्ट करता है, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसके कारण इंसान मर तक सकता है। क्योंकि यही तो चीज़ है जिसके कारण से हम लोग चलते फिरते बोलते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन अगर इसी को यही चीज़ ख़राब हो जाए हमारा, तो हम लोग ना ही चल सकेंगे, ना ही फिर सकेंगे, ना ही खा सकेंगे, ना ही बोल सकेंगे, ना ही कुछ भी कर नहीं सकेंगे। वैसे इंसान तो ऑलमोस्ट मर ही जाएगा। जैसे देखिए आप इस पेशेंट को, एक ऐसा लेट चुका है, ऐसा लगता है कि इस पेशेंट को पैरालिसिस हो चुका है, यानी कि लतवा मार चुका है, इस तरीके से कुछ हो जाता है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि रेबीज डिजीज जिसके भी होता है, अगर उसे सही समय पर ठीक ना किया जाए तो वो जानलेवा भी हो सकता है, और वो ऐसे में इंसान मर सकता है। चलिए अब कुछ बात करते हैं इसके कुछ बचाव के तरीके के बारे में। कि मान लीजिए कि जैसे कि हमें दिखाया जा रहा है इस फोटो में कि इस पेशेंट को कुछ कुत्ते ने यह काटा है, ठीक है, हाथों में काट रखा है इसे। काटने के बाद क्या हुआ, काटने के बाद इसे सबसे पहले ये काम करना है कि जिस जगह पर काटा गया है उस जगह को अच्छे से साबुन और पानी से धो लेना है अच्छे से, ताकि वहाँ पर ज़रा सा भी रेबीज वायरस का कीटाणु या वायरस ना बच जाए, ठीक है, उस तरह से अच्छे से धो लेना है। फिर उसके बाद उस पेशेंट को एंटी रेबीज वैक्सीन लेना अनिवार्य है, दिस इज़ मस्ट, उसे लेना ज़रूरी है। कहीं अगर उस कुत्ते को या उस बिल्ली को या उस जानवर को अगर रेबीज डिजीज हो रखा होगा, अगर उसने हमें काटा है, तो वो वायरस हमारे अंदर भी फैल सकता है, उस पेशेंट के अंदर फैल सकता है। इसीलिए उस पेशेंट को बचाव के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन लेना अनिवार्य है, इन मस्ट है, उसे ज़रूरी है लेना। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उस डॉग्स को, उस एनिमल्स को, उस कैट को क्या करेंगे हम लोग, 10 डेज के लिए अपने सर्वेलेंस के अंदर में रखेंगे, ताकि हम लोग उसे देख करके ये पता लगा सके कि क्या इस जानवर में सच में रेबीज डिजीज है या नहीं है। अगर होगा तो उसे ट्रीट किया जाएगा, उसे ठीक किया जाएगा, ताकि उससे वो जब किसी दूसरे इंसान को जब काटे तो उस तरीके से रेबीज डिजीज किसी दूसरे इंसान को ना हो जाए।
इसलिए हम लोग उस कुत्ते को भी ठीक करेंगे। लेकिन अगर वो कुत्ता ठीक ना हो सका तो एक ही उपाय है, उस कुत्ते को सही धोना पड़ेगा, क्योंकि वायरस को तो रोकना अनिवार्य है, नहीं रोका जाए तो मनुष्य जाति के लिए थोड़ा खतरनाक खतरा हो सकता है, इसलिए उसे सही कह दिया जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।